वेलकम बैक जेजे के फैंस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिगुरुमा वर्सेस सुकुना की बैटल आगे कंटिन्यू होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है। जीशु काइसन मांगा चैप्टर 245 के लीक्स आर हेयर्स और उस लीक्स के अंदर हमें बहुत चीजें बताई जा रही है, जहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हमें दो बैटल देखने को मिलेगी। दी फर्स्ट बैटल इज बिटवीन हाकारी एंड यूरामी और उसके बाद हमें जो दूसरा बैटल देखने को मिलता है वो दूसरा बैटल हमें देखने को मिलता है हिगुरुमा वर्सेस सुकुना की बैटल। तो जैसा आपको पता होगा पिछले वीक्स कोई भी जेजेके की वीडियो नहीं आई थी, इसका रीजन ये था इन्होंने मांगा ही नहीं निकाली थी। जेजेके के राइटर ने पिछले हफ्ते की लीव ली थी जहाँ पे कोई भी मांगा कंटेंट देखने को नहीं मिला तो हमने भी कोई वीडियो नहीं बनाई। पर इस हफ्ते बिल्कुल सिनेरियो अलग है, जहाँ पे लीक्स आपको थर्सडे को देखने को मिलते हैं, वेनेसडे को आ गया और लीक्स इसमें भारी भरकम आए हैं। बहुत सारे लीक्स आए हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, तो मैंने सारे लीक्स को जोड़ के एक मैंने सोलो टाइप की समरी बताई जो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि इस चैप्टर्स के अंदर क्या हुआ है, जहाँ पे मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ इस चैप्टर्स के अंदर देखने को मिला। जैसे मैंने आपको बताया हकारी और यूरामी की फाइट देखने को मिलती है, उसी के साथ हमारी हिगुरुमा को एक्सीक्यूशन ब्लेड मिल जाता है जो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है सुकुना हिगुरुमा के डोमेन एक्सपेंशन से निकल जाता है बाहर और हिगुरुमा के पास एक्सीक्यूशनल सोड आ गया, तो अब सिनेरियो क्या होने वाला है। और वन मोर हिंट, इस चैप्टर के अंदर एक और आपका फैन फेवरेट करेक्टर मरने वाला है, तो बिना किसी का भी टाइम बर्बाद करते हैं और गोजो जिंदा इस होप के साथ चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीजू काइसन मांगा चैप्टर 245 जो स्टार्ट होता है वो फाइट स्टार्ट होती है जो हम एक्सेप्ट कर रहे थे कि हमें देखने को मिलेगा हिगुरुमा वर्सेस सुकुना, उधर से स्टार्ट नहीं होती, ये स्टार्ट होता है हकारी वर्सेस यूरामी से, जहां पे हमें इनका फाइट देखने को मिलता है आउटसाइड ऑफ द डोमेन, जहां पे हमें लास्ट टाइम देखने को मिलता था ये डोमेन से बाहर निकल जाते हैं। अभी ये फाइट कर रहे हैं एक रियल वर्ल्ड में, जहां पे स्टार्टिंग में हकारी एक बड़े आग के गोले से यूरामी पे अपना अटैक करता है और जैसे यूरामी इस अटैक को डॉज करती है अपने अटैक से, वैसे हकारी यूरामी का सर पकड़ के जमीन में घसीट देता है। फिर हमें बैटल देखने को मिलती है जो इनकी इंटेंस बैटल, जहां पे हकारी का एक एज देखने को मिलता है जहाँ पे हकारी यूरामी पे बाहर ही पड़ रहा होता है। फिर हमें देखने को मिलता है हकारी बिल्डिंग से बाहर आता है जहाँ पे वो अपनी रीजनरेशन एबिलिटी वहाँ पे यूज करता है और आके सीधा बोलता है मुझे हार्ड चैलेंजेस लेने में मजा आता है। फिर जहाँ पे हकारी यूरामी को लेक्चर देता है कि जो लेटेस्ट जनरेशन चल रही है वहाँ पे ह्यूमन का हार्ट बहुत ही ज्यादा सॉलिड है, जहाँ पे वो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली हकारी यहाँ पे बताना चाहता है यूरामी को कि यूरामी 1000 साल पहले से है, जहाँ पे यूरामी इस टाइमलाइन के ह्यूमंस को एक फुड्डू से ह्यूमन समझ रही है, बट हकारी उसको कन्विंस कर रहा है कि जो तू सोच रही है वो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे स्टिल ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है। जहाँ पे यूरामी बोलती है जो ह्यूमंस है वो अकेले पड़ गए और वही उनकी वीकनेस है। फिर इसके बाद यूरामी बोलती है मैं तुम्हें अपनी फुल पावर के साथ क्रश कर दूंगी। फिर हमें यहाँ पे एक यूटा की झलक देखने को मिलती है, ये जापानीज में लिखा हुआ है तो मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या लिख बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से पास का कोई सीन है जो हकारी याद कर रहा है। फिर हकारी बोलता है ये तो बहुत गर्म था, बेसिकली यहाँ पे हकारी अपनी रीजनरेशन एबिलिटी यूज कर रहा होता है बिकॉज यूरामी ने अपना फुल फोर्स अटैक यहाँ पे अनलीज करा था, इसके बाद हकारी के कुछ टुकड़े हो गए थे शरीर के, बट अपनी रीजनरेशन एबिलिटी उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जेजेके में कोई है ही नहीं तो उसने यहाँ पे यूज करा, जिसके बाद वो दोबारा फाइट में ज्वाइन कर रहा है। फिर यूरामी को बोलता है लेट्स बिगिन दी सेकंड राउंड। फिर हमें देखने को मिलता है सीन्स चेंज होता है जहाँ पे हमें यहाँ पे हिगुरुमा सुकुना और यूजी देखने को मिल रहे हैं, और जो ये सीन स्टार्ट होता है सीन उस पॉइंट से स्टार्ट होता है जब जज बोलता है कि अक्टूबर को यूटाडोरी पे इल्जाम लगा था कि उसने मास मर्डर करा था शिबुया में। फिर जहाँ पे हिगुरुमा एज अ लॉयर प्रेजेंट करता है यूजी को कि उसने जो एक्सेप्ट करा था वो इसलिए नहीं एक्सेप्ट करा था कि उसने सारे मर्डर करे थे, उसने इसलिए एक्सेप्ट करा था कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसने उधर प्रेजेंट होने के बाद भी इतने सारे लोगों को बचा नहीं पाया और असलियत में यूजी ने किसी भी लोगों को नहीं मारा और इसलिए ये सेकंड ट्रायल यहाँ पे चल रहा है असली दोषी को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर यहाँ पे हमारे लॉयर साहब बोलते हैं ये जो सारा इल्जाम हमें यूजी पे लगाता है ये सारे फॉल्स है, असली कल्प्रेट नन अदर देन हमारा सुकुना है, इसी को यहाँ पे ट्रॉफी के साथ एग्जीक्यूट करना चाहिए। जहाँ पे अपना लॉयर सुकुना को हल्के में ले रहा था, सुकुना इज वन मैन आर्मी, जहाँ पे सुकुना बोलता है भाई तूने इल्जाम लगाया उसका क्या सबूत है, तूने अभी तक कोई एविडेंस पेश नहीं करा, उसके बाद जो तू बोल रही है तो झूठ भी तो हो सकता है। फिर जब हमारा लॉयर एक पर्चा दिखाता है सुकुना की जी फट के हाथ में आ जाती है। फिर यहाँ पे हिगुरुमा बोलता है जो भी एविडेंस है मैंने फर्स्ट ट्रायल में जज को पेश कर दिया था, जो भी इंसिडेंट या जो जो लोग मरे थे शिबुया के अंदर मैंने सारे इन डिटेल रिपोर्ट्स बना के सबमिट कर दिया था कि वो कैसे मरे थे, उनका क्या रीजन था, उनका प्रॉपर क्या नाम था, और ये रही कॉपी। इसके बाद हमारा लॉयर जज को बताते हैं इतने ज्यादा मार्क्स डिस्ट्रक्शन करवाया था ये सिर्फ एक ही पावरफुल बंदा करवा सकता है, नन अदर हमारा सुकुना है। और हिगुरुमा बोलते हैं जितने भी मैंने जज आपको एविडेंस दिए हैं वो सारे एविडेंस को अगर आप कंक्लूजन करोगे तो उसको डेथ पेनल्टी ही मिलनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर हिगुरुमा जज को ये भी बताता है जो भी मार्क्स डिस्ट्रक्शन करा था सुकुना ने यूजी की बॉडी में रहने के बाद करा था,
तो इट मीन्स आपको ऐसा लग रहा था कि यूजी ने सारा मार्क्स मर्डर करा है, और जब यूजी ने ही खुद एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मैं रोक नहीं पाया सुखना को, बट यहाँ पे जो मेन कल्प्रेट है वो सामने हमारे खड़ा हुआ है। फिर यूजी एक मर्डरर इंटेंस से सुखना को देखता है और सुखना को सीधा बोलता है कि यहाँ पे हम तेरी बकचोदी नापने नहीं आए, तेरे पास को गिनाने नहीं आए, हमें बस एक तलवार की जरूरत है जिससे हम तेरे को मारेंगे और इसकी वजह से हम तीनों इस डोमेन में आए हैं। फिर सुखना बोलता है मैं तुम्हारी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, जल्दी इस ट्रायल को खत्म करो, गिल्टी करना तो करो भाई, मैं तुम्हारे बाप से नहीं देता, तुम मेरे को क्या मारोगे, मैं तुम्हें मारूंगा। सुखना बोलता है फटाफट मुझे गिल्टी प्रूव करो और निकल पहली फुर्सत से। फिर जज बोलता है तू गिल्टी है, ले भाई शॉर्ट्स पकड़ तू और हम तुम्हें सेंटेंस टू डेथ देते। सुखना हंसता है सही में। फिर हमें देखने को मिलता है जो डोमेन एक्सपेंशन था सारा टूट जाता है, जो कोर्ट कचहरी का सीन होता है सब टूट जाता है। फिर उसके बाद हमें सिकने सीन देखने को मिलता है जहाँ पे हिग्रोमा के हाथ में जो हैमर होता है वो हैमर धीरे धीरे चेंज होकर सॉर्ड बन जाता है, और ये सॉर्ड ऐसा वैसा नहीं, एग्जीक्यूशन सॉर्ड है जिसके लिए हिग्रोमा ने ये सारा चाल चला था, सुखना को डोमेन में लेके आया था, उसको गिल्टी प्रूफ करवाया, फिर उसको जो सोर्ड्स मिला यही बाद में की पॉइंट होने वाला है। फिर हिग्रोमा बोलते हैं जो मैंने पापड़ बेला था इस सोर्ड के लिए सोर्ड आ गया, बट अभी भी मुझे ये समझना पड़ेगा गोज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर अलाइव वो मारा गया है सुखना से, वो भी इसलिए नहीं सुखना पावरफुल था, वो इसलिए मारा गया बिकॉज उसने 10 शैडो टेक्निक यूज करी और गोजो ने 10 शैडो को हल्के में लेने की कोशिश करी इसलिए गोजो मारा गया। बट यहाँ पे मेरे को सीन चेंज करना पड़ेगा जहाँ पे मेरे पास एक्सिक्यूशनल सॉर्ड, बट मेरे को यहाँ पे भी फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, इतना ज़्यादा पावर होल्ड करने के बाद भी मेरे चांसेस है हारने के लिए, जब गोजो हार गया तो मैं भी हार सकता हूँ। फिर हिग्रोमा बोलता है जिस स्टेज पे मैं हूँ वहाँ पे मैं हार नहीं सकता, तो मुझे इसको संभल के यूज करना पड़ेगा। फिर सुखना बोलता है ये सब बस इस चीज के लिए, इस तलवार के लिए, मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम सोच रहे हो तुम जीतोगे, तुम हारोगे। फिर सुखना अपना अटैक रिलीज करता है, और जब सुखना हिग्रोमा पे अटैक करता है इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरा उसका बॉडी तक डैमेज होने जाती, उस अटैक को आधा झेल लिया था बीच में आके कोसकाबे ने, तो उसी के बाद हमें देखने को मिल रहा है तो जे जे के मांगा 245 चैप्टर इधर ही खत्म होता है, जहाँ पे हमें देखने को मिला था वो अटैक लास्ट में उस डमरू से हिग्रोमा और कोसकाबे पे अटैक करा था, और जहाँ पे हमें देखने को मिला ये दोनों बहुत ही गंदी तरह से इंजर्ड हो गए। बट यहाँ पे आप ध्यान दिया आपने कि यूजी मिसिंग है, यूजी कहाँ गया, यूजी भी डोमेन करना था, और जैसे डोमेन खत्म हुआ तो यूजी दिखा नहीं रहा। यहाँ पे हमारे इवन कोसकाबे भी आ गए फाइट करने, जहाँ पे उसने आधी इंजरी ले ली। मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों कर्स टेक्निक रिवर्स यूज कर पाते हैं, मेरे ख्याल से नहीं कर पाते, बट इनका देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे वाले चैप्टर मांगा के अंदर क्या होता है। मेरे ख्याल से हिग्रोमा कर्स टेक्निक रिवर्सल यूज कर लेगा बट कोसकाबे नहीं कर पाएगा, पर देखते हैं आगे क्या होने वाला है, बिकॉज अभी हिग्रोमा की पावर बहुत सारी जो अभी दिखाना बाकी, अभी ये करेक्टर प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है। और यूजी कहाँ गया, तो यूजी में भी नेक्स्ट चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो फाइट हमारी देखने को मिली थी हिग्रोमा वर्सेस सुखना की, जो चेंज होकर यूजी वर्सेस सुखना हो जाएगी, और बाद में हमें देखने को मिलेगा कि इनके बैटल में क्या देखने को मिलता है, जहाँ पे हिग्रोमा भी यूजी वर्सेस सुखना की फाइट को ज्वाइन करेगा। तो एक हफ्ते के बाद जब गेगे ने चैप्टर निकाले तो कुछ इस टाइप का चैप्टर था, आई होप आपको मजा आएगा। आपको मैं ये बता रहा हूँ जो ये मांगा मैंने बताया ये लीक्स है, तो कुछ चैप्टर मिसिंग हो सकते हैं, तो वो देख लेना जब इसकी मांगा ऑफिशियली रिलीज हो गई। मुझको ऐसा लगेगा कि ज्यादा मैंने पेजेस छोड़ दिए तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बट मेरे ख्याल से मैंने मोस्टली पेजेस कवर कर दिए, बाकी सारे मांगा पूरी प्रॉपर जैपनीज में थी, मैंने अपने तरफ से डब करके आपको एक्सप्लेन करा है इन हिंदी, तो उसके लिए एक लाइक और कमेंट कर देना, इतनी मेहनत का एक लाइक तो बनता ही है। तो बस इस वीडियो में इतने हैं, मिलने कल आपसे देखने वीडियो के साथ, देखने सुपर घंटे देख रहे थे, जय हिंद वंदे मातरम, टेक केयर।